दोस्तों हर लड़की की ये इच्छा होती है कि वो खूबसूरत दिखे। इसके लिए कई लड़कियां ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है तो कुछ प्लास्टिक सर्जरी तक करवा लेती है। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही खूबसूरत लड़कियों के बारे में जो रियल लाइफ में बारबी गर्ल यानी कि बारबी डॉल की तरह दिखती है और अपनी लाइफ को भी उसी तरह जीती भी है। तो चलिए आइए जानते हैं इन खूबसूरत लड़कियों के बारे में जो रियल लाइफ में बिल्कुल बारबी डॉल जैसे दिखती है। नंबर 1, एंजेलिका केनोवा। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत बारबी डॉल माना जाता है। एंजेलिका रूस की राजधानी मॉस्को की रहने वाली है। एंजेलिका की उम्र 26 साल है लेकिन वो दिखने में सिर्फ 16 साल की ही लगती है। एंजेलिका का दावा है कि उसने कभी भी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाई है। बारबी डॉल की तरह दिखने के लिए वो 2 से 3 घंटे की एक्सरसाइज करती है। उनके पेरेंट्स ने उनके लिए घर पर ही पर्सनल ट्रेनर रखा है और ये काफी फिट भी है। नंबर 2, वलेरिया लुक्यानोवा। बारबी डॉल की लुक की वजह से वलेरिया पूरी दुनिया में पहचान रखती है। 2007 में वलेरिया ने विश्व स्तरीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता था जिसमें उन्हें मिस डायमंड क्राउन का खिताब मिला था। नंबर 3, वीनस पलेर्मो। 15 साल की वीनस पलेर्मो दिखने में एकदम बारबी डॉल जैसे दिखती है। लंदन में रहने वाली वीनस पलेर्मो को उनके फैन वीनस एंजेलिक के नाम से जानते हैं। नंबर 4, अलीना कोवालेवस्काया। यूक्रेन में जन्मी अलीना भी बारबी डॉल की तरह दिखती है। लंबी टांगे, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर बाल उन्हें एकदम परफेक्ट बारबी डॉल का लुक देता है। लेकिन इस तरह का लुक पाने के लिए अलीना अपनी आंखों के लिए कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग करती है। इसके कारण उनकी आंखें सुंदर व बड़ी दिखती है। नंबर 5, लोलिता रिचीवी। बारबी डॉल की तरह दिखने वाली इस खूबसूरत लड़की का कहना है कि वो रियल लाइफ टीनेजर बारबी है। इसके लिए उन्हें कभी भी किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी नहीं करानी पड़ी है। वो कहती है कि इस गेटअप के लिए उसे उसकी माँ का भरपूर सपोर्ट मिला है। लोलिता की माँ ही उसकी फोटोग्राफर है जिन्होंने इंटरनेट पर उनकी शानदार तस्वीर अपलोड की है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे खूबसूरत बारबी डॉल की तरह दिखने वाली लड़कियों के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।